अभी अभी ये खबर आ रही है कि मशहूर अभिनेत्री रीना रावत अब हमारे बीच नहीं रही। घरवाली एक्ट्रेस रीना रावत के निधन के बाद सोशल मीडिया पर ये पोस्ट सामने आया है उनके करीबी का, जो दुख जता रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि 48 की उम्र में हार्ट अटैक से उनकी जिंदगी आखिरी खत्म हो गई। पुष्पा शोरी गीत पर अभिनय के दम से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस रीना रावत के निधन की खबर से उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, जिसके कारण सितारे भी बहुत दुखी हैं। तमाम दिग्गज कलाकारों ने इसका दुख जताया। पन्नू गुंसाई, जयपाल नेगी, गीता ओनियाल से लेकर और भी तमाम नाम हैं जिन्होंने रीना रावत के गुजर जाने पर दुख जताया है। पन्नू हुसैन ने तो एक पोस्ट भी शेयर किया और लिखा, 10 दिन पहले ही हम मिले थे, हमारे पुराने दिनों की बात कर कितना ज्यादा बात होती थी, हंस रही थी तुम, कभी धर्मेंद्र चौहान को चिल्लाती, कभी मेरी टांग खींचती, साथ में टिकटॉक बनाई, पर 12 मार्च को सुबह उत्तराखंड फिल्म जगत को छोड़कर तुम्हारा जिंदगी छोड़ देना बहुत दुखदायी था। गौर करने वाली बात यह कि साल 2005 में रीना की शादी हुई थी, अस्पताल में उनका इलाज भी राजधानी दिल्ली में चल रहा था, उनका एक बेटा भी है। बता दें उनके पति दीपक रावत ने इसकी जानकारी दी। सरकारी विभाग में कार्यरत है वो, जिन्होंने साल 2000 में लगभग 8-10 साल रीना रावत के साथ प्यार का रिश्ता रहा। उत्तराखंडी सिनेमा इंडस्ट्री में काम करते हुए उन्होंने एक बड़ी पहचान बना ली थी। हंसमुख बहुत ही खुशमिजाज अंदाज की थी रीना रावत, जिनके गुजरने की खबर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, तमाम लोगों को बड़ा झटका दिया है। खैर, नेक्स्ट 9 के पूरे परिवार की तरफ से ईश्वर से हम यही कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, साथ में उनके परिवार, उनके पति, उनके बेटे को ताकत मिले कि वो इस दुख की घड़ी से बाहर निकल पाए। बताते चले हम आपको, रीना रावत के निधन के बाद हर जगह उनके लिए श्रद्धांजलि भरे पोस्ट, उनसे जुड़े लोगों का वायरल हो रहा है। उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी पहचान थी वो, छोटी उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी सीख लोगों को दी थी। जिंदगी जीना, जिंदगी को खुश रहकर हमेशा जीना जानती थी रीना रावत, जिनका इस तरह से अचानक हार्ट अटैक से चले जाना सबके लिए बड़ा झटका था। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।